मिड बजट ग्राफिक्स कार्ड में काफी पॉपुलर है RTX 3060 एंड 3060 Ti। नमस्कार, अगर आप 2023 में ये वीडियो देख रहे हो एंड आप अपने करंट सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हो या फिर एक न्यू गेमिंग पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो, तो आपको ये एक सवाल तो आएगा ही कि आखिर कौन सा बेस्ट मिड बजट ग्राफिक्स कार्ड मुझको परचेज करना चाहिए जो काफी सही वैल्यू फॉर मनी हो, क्योंकि भाई जनरली प्राइसिंग भी ऐसी है कि यहाँ पर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आज इस वीडियो में हम RTX 3060 वर्सेस 3060 Ti को कंपेयर करने वाले हैं, दोनों में से कौन सा बेटर वैल्यू फॉर मनी है, क्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन भी है जो प्राइस टू परफॉर्मेंस के मामले में इन दोनों को टक्कर दे पाए, सब कुछ आज कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं प्राइसिंग एंड स्पेसिफिकेशन से। तो करंटली RTX 3060 12GB वेरिएंट ऑन एवरेज करीब 29,000 से लेकर 31,000 में मिल जाता है, एंड वहीं 3060 Ti स्टार्ट्स फ्रॉम 37,000 और करीब 40,000 के आसपास आपको डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो ऑन एवरेज करीब 6,000 से 7,000 का प्राइस डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब एक बार फटाफट से इन दोनों के स्पेक्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने मेन डिफरेंस नोटिस किया वो है इनके कोड़ा कोर्स एंड मेमोरी बैंडविथ में। RTX 3060 8GB एंड 12GB वेरियंट में आता है, विच हैज 3584 कोड़ा कोर्स, 196GB बिट मेमोरी बस। वहीं 3060 Ti जो कि 8GB वेरिएंट में आता है, हैज 4864 कोडा कोर्स, 256 बिट मेमोरी बस, प्लस RTN टेंसर कोर्स भी 3060 Ti में ज्यादा है, जिस वजह से 3060 Ti को रे ट्रेसिंग इनेबल्ड गेम्स में कंपैरेटिवली काफी एडवांटेज है। नाउ अगर दोनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो कई सारी गेम्स ने डिफरेंट रेजोल्यूशन पर टेस्ट की है। अगर 1080p परफॉर्मेंस देखी जाए तो मॉडर्न ट्रिपल ए टाइटल्स लाइक साइबरपंक, RDR2, शैडो ऑफ द टूम रेडर वगैरह गेम्स अल्ट्रा प्रीसेट पर दोनों ही कार्ड वेल अबोव 60fps अचीव कर लेते हैं। दोनों के बीच 1080p रेजोल्यूशन पर ऑन एन एवरेज करीब 20 से 30 fps का डिफरेंस भी है। ऑलराइट, रही पर 1080p कॉम्पिटिटिव गेम्स लाइक वैलोरेंट, फोर्टनाइट, CS:GO वगैरह, तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स इजिली 200+ fps एवरेज बना लेते हैं। सो यस, अगर आप 1080p रेजोल्यूशन पर गेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर 3060 को पे करके थोड़ा बहुत पैसा सेव कर सकते हो एंड उस बचे पैसे को आप हाई रेफ्रिजरेट वाले मॉनिटर पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, लेकिन जब बात यहाँ पर हायर रेजोल्यूशन की आती है लाइक 1440p, तब बाजी यहाँ पर 3060 Ti के फेवर में आ जाती है। ऑन एन एवरेज यहाँ पर 3060 Ti करीब 30% फास्टर है 3060 से। कुछ गेम्स हमने 1440p रेजोल्यूशन पर भी टेस्ट की है, साइबरपंक 2077 हाई सेटिंग्स पर 3060 एवरेज 45 fps निकालता है, एंड वहीं 3060 Ti एवरेज स्वीट 60 fps स्पॉट को मेंटेन रखता है। कुछ और गेम्स भी टेस्ट की है हमने 1440p रेजोल्यूशन पर, जहां 3060 Ti अबोव और नियर 60 fps एवरेज मेंटेन रखता है, वहीं 3060 थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर से करता है। सो ओवरऑल अगर 1440p एंड 4K पर हाई fps अचीव करना आपका टारगेट है तो यहाँ पर जाहिर है 3060 Ti इज अ मोर सेंसेबल ऑप्शन। ऑलराइट, बट अगर आपको इन गेम सेटिंग्स लोअर करने में कोई दिक्कत नहीं है तो 3060 भी काफ़ी बढ़िया चॉइस है। रही बात रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर हम वो भी देख लेते हैं। तो 1080p पर दोनों ही कार्ड्स काफ़ी डिसेंट परफॉर्म करते हैं, बट इन हायर रेजोल्यूशन 3060 Ti गेन्स मोर fps बिकॉज ऑफ मोर RT कोर्स एंड मेमोरी बैंडविड्थ देन 3060। ओवरऑल RTX 3060 एंड 3060 Ti दोनों ही सभी लेटेस्ट गेम्स को 1080p एंड 1440p पर बड़ी इजीली प्लेबल fps पर चला देते हैं। करंटली 3060 Ti एंड 3060 के बीच में करंटली 7,000 का प्राइस डिफरेंस है, एंड 3060 Ti ऑन एन एवरेज करीब 20-30% फास्टर है 3060 से। सो अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो 3060 Ti इज अ मोर सेंसिबल एंड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ओवर 3060। ऑलराइट, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि भी 3060 इज अ बैड ऑप्शन हियर। अगर आप मुझसे पूछो तो भी 3060 भी 1080p पर अल्ट्रा सेटिंग पर बढ़िया गेमिंग करवा देता है। 3060 एक सेंसिबल चॉइस तब भी है जब आप एक स्पेसिफिक बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हो एंड उसमें भी आपके पास हाई रिफ्रेशर वाला मॉनिटर ना हो। इस केस में आप 3060 को पिक करके जो थोड़ा बहुत पैसा आपने सेव किया है उससे आप अच्छे मॉनिटर में इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस और भी जबरदस्त हो। राइट, बाकी अगर आप एनवीडिया फैन बॉय नहीं हो तो इस वक्त AMD की तरफ से RX 6700 XT भी काफ़ी जबरदस्त प्राइसिंग में अभी इस वक्त उपलब्ध है,
जो कि 3060 Ti को रिट्रेसिंग ऑफ गेमिंग में आउट परफॉर्म कर देता है, काफ़ी सही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके बताइए आप अभी करंटली कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहे हो। कोई सवाल है तो कमेंट डाउन बिलो, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह के पीजी टेक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे। ठीक है जी, चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।